हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे डिफ़ॉल्ट डाउनलोड लोकेशन को चेंज कर सकते हो अपने आईफोन में। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर और यहां पे आके आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आपको यहाँ पर सफारी का ऑप्शन मिल रहा होगा, सफारी ब्राउज़र का। सिंपल आपको इसके अंदर आ जाना है और इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन आपके पास होगा डाउनलोड्स का, तो सिंपल आपको इसको डाउनलोड्स के ऊपर टैप करना है। आई क्लाउड ड्राइव के अंदर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता था पहले और ये डिफ़ॉल्ट होता था, लेकिन आप लोग माय आईफोन के अंदर भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई और फोल्डर के अंदर करना है, कोई फोल्डर नया क्रिएट करके उसके अंदर करना है डाउनलोड्स, आप लोग यहाँ पे उसको लिख सकते हो। तो सिंपल आप लोग वो यहाँ पर भी डिलीट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।